ये कपलिंग रबड़ है, जैसे ये चार पीस का आता है और ये चेन स्पोकर के साथ लगता है व्हील में पीछे उस साइड में, और इसे हम उस समय बदलते हैं जब गाड़ी का गियर लगा कर को भगाते हैं तो उस तरीके से ऐसे जो है झटका मारता है। तो ऐसे रात में हम इस कपलिंग रबड़ को बदलते हैं गाड़ी, तब को दिखाते हैं वो प्ले हो जाता है। ये जो है वो जो स्पॉकर देख रहे हैं अंदर वाला, थोड़ा पकड़ो उसको, ये देखिए अंदर का जो स्पॉकर है, अंदर एक स्पॉकर होता है उससे जो है ये चक्का जो है फ्री हो जाता है। चलो इसे बाहर निकाल के फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। चलो कॉल कर लो, चलो कॉल बहुत चेन स्पॉकेट जो है बिल्कुल नया लगा हुआ है। देखिए गाइस ये है रबड़, ये रबड़ जो है साइड से कट जाता है इसी वजह से ये ढीला पड़ जाता है। तो आपको पुराना वाला पहले लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से जो है ढीला हो जाता है, ये साइड प्ले हो जाता है। तो ऐसे पता कैसे चलेगा, देखिए जब मैं बाइक को शॉर्ट के गियर में लगा के आगे भगाऊंगा और जिस समय हम रेस छोड़ते हैं तो उस समय जो है ये झटका मारता है व्हील से, जो है ऑटोमेटिक इस तरीके से झटका मारता है, जो कि हमें लगता है कि गियर के अंदर कोई दिक्कत आ गई है। ये दिक्कत आ रही है दोस्तों कपलिंग रबड़ की, जैसे तुमने बाइक को चला कर देखा तो सेम ऐसे ही दिक्कत हो रहा था, और थोड़ा सा चैन जो है ऐसा रहता था जैसे कि फ्री काम कर रहा हो, थोड़ा सा जो है हज टाइप का महसूस होता था चक्का आगे पीछे। तो इस तरीके से हमें लगाना होता है, ये कुछ तरीके से होता है। ये इसलिए गाइस दिया जाता है कि चेन के ऊपर झटका ना पड़े, इसलिए दिया जाता है चेन को का जो लाइफ है बनाए रखे। सेटिंग लो, ये इस तरीके से बैठ गया है और ये अब साइड प्ले जो है ये खत्म हो जाएगा। इसको फुल टाइट करेंगे तो अच्छे तरीके से बैठ जाएगी, ठीक है। रात रात की करें जो मोबाइल हरदम हरदम